नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। तेज रफ्तार कार ने दरवाजे के पास बैठी महिला को मारा ठोकर, इलाज के क्रम में महिला की मौत, चालक गाड़ी छोड़कर फरार। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। वैशाली जिले के महनार नगर के इशाकपुर वार्ड संख्या 23 में बीती रात घर के दरवाजे के पास बैठी महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला उसी वार्ड के मोहम्मद मुद्दी मियां के पत्नी शमीना खातून बताया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रख महनार महदीनगर सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया। जाम की सूचना के बाद मौके पर पनहुंची महनार थाने की पुलिस ने कार चालक पर कार्यवाही करने और उचित मुआवजे दिलाने के आश्वासन के बाद जाम को खत्म कराया। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र मोहम्मद सप्तार ने बताया कि सोमवार की रात खाना खाने के बाद गर्मी के कारण परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसकी मां शमीना खातून दरवाजे बैठी थी। इसी दौर महनार की ओर से आ रही तेज रफ्तार की कार ने ठोकर मार दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात ही खाना खा के सब दूरा पर बैठे हुए माँ हमारी और एक वाइट रंग का बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आया और घर चिरते हुए और पिलर में जाके ठोक दिया, और उस गाड़ी में 3 आदमी बैठे हुए थे। हमने माँ को ले गए अस्पताल, रास्ते में दम टूट गया। चल गए जी, गाड़ी के अंदर थे वो लोग, कहाँ भाग गए थे सब? वो लोग भाग चुके थे, जब तक हम लोग माँ को पकड़े तब तक भाग चुके थे। शमीना खातून मेरी माँ है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सत्तार। लड़का है आप उनका? जी।